क्या हाल है बॉयज एंड गर्ल्स, भाई सबका स्वागत है आज की वीडियो में। और आज की वीडियो में हम सरवाइव करने वाले हैं एज अ शेप शिफ्टर। नहीं नहीं, कुछ ज्यादा अंग्रेजी होगी, तुम टेंशन ना लो, मैं हिंदी में बताता हूँ। तुम ये जो लड़की देख रहे हो ना, ये नॉर्मल लड़की नहीं है, ये इच्छाधारी नागिन है भाई साहब। जैसे ये लड़की किसी मॉब वगैरह को मारेगी तो ये उसके तन बदन में बदल जाएगी। कसम से बता रहा हूँ, बहुत मजा आने वाला है आज की वीडियो में। बिकॉज यार इन 100 डेज में हमें 3 इंपॉर्टेंट चीज करनी है। पहला यार, हमें टोटल 50 मॉब्स अनलॉक करने हैं। सेकंड, हमें एक बहुत ही प्यारा सा घर बनाना है, वो भी हवा में उड़ता हुआ। और जो तुम तीसरी चीज देखने वाले हो ना, वो होगी एंडर ड्रैगन और विदर की फाइट। तो भैया लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, हाथ जोड़ के विनती है। एंड यार अब तुम एंजॉय करो वीडियो को। हाँ जी, तो देखो डे 1 को तो मैं स्पॉन हुआ एक बहुत ही बड़े खुले मैदान में। एंड यार उस खुले मैदान में 4-5 गाय धूप सेक रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना गाय को मार के मैं भी एक गाय बन जाऊं। तो देखो तलवार वगैरह तो थी नहीं, तो मैंने गाय में एक मुक्का मारा। और यार एक मुक्का पड़ते ये गाय बोली, लीव मी अलोन प्लीज, लीव मी अलोन, बट ऐसे कैसे गाय को छोड़ देंगे भाई साहब। मुक्कों की बरसात करके गाय को मैंने स्वर्गलोक पहुंचा दिया और फिर मैं एक गाय बन गया। और कसम से भाई मैं एक बहुत ही खूबसूरत गाय बना था, लेकिन मेरी सुंदरता पे कुछ सांड लट्टू हो गए। तो भैया बड़ी मुश्किल से अपनी इज्जत बचा के भागा मैं वहां से। और यार इन सांडों से पीछा छुड़वाने के बाद मुझे एक शीप मिली जो कि बहुत आराम से घास चर रही थी, लेकिन मेरी गौ माता से ये आराम देखा नहीं गया और शीप पे अटैक कर दिया। नहीं नहीं, देखा है तुमने कभी एक गाय और भेड़ को लड़ते हुए? नहीं। और यार फिर मैं एक शीप बन गया और मैंने पहली बार नोटिस करा कि भगवान ने इसकी आंखों के साथ कुछ खिलवाड़ कर रखा है। बट चलो कोई नहीं। देन यार थोड़ी दूर चलने के बाद मुझे एक गाँव मिला और गाँव में बहुत सारा अनाज पड़ा हुआ था। अरे वीट अंग्रेजो वीट। एंड मैं वापिस से गौ माता बन गया, बिकॉज गाँव वालों को पता नहीं चलना चाहिए कि उनका सारा अनाज एक इच्छाधारी नागिन लूट के चली गई। और यार पेट पूजा करने के बाद मैंने देखा कि गांव वालों ने ना एक घोड़े को कैद कर रखा था। यार इस घोड़े के भी तो कुछ सपने कि ये खुले मैदानों में दौड़े, हरी हरी घासें चरे, लोगों की शादियों में जाए, लेकिन कोई नहीं, इसका सपना मैं पूरा करूंगा। तो पेड़ की छांव में कब एक घोड़े का कत्ल हो गया किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। वैसे तो यार ये घोड़ा है, लेकिन मरने के बाद ये कैसी खच्चर जैसी आवाज निकालता है। एंड यार मैंने मारा तो काला घोड़ा था, लेकिन मैं सफेद घोड़ा कैसे बन गया? कसम से भगवान आपकी लीला। अजब निराली, अजब निराली, अजब निराली है। इसके बाद यार मैंने अपने लिए वुडन टूल्स बनाया। और यार मैं टूल्स बना ही रहा था, मैंने क्या देखा, मेरे जस्ट सामने एक मधुमक्खी का घर था और उसमें से एक मधुमक्खी मुझे टुकुर टुकुर देखे ही जा रही थी। तो फिर मार दिया मैंने उसको। एंड यार अब मैं एक मधुमक्खी बन चुका था। और यार कसम से पूरे माइनक्राफ्ट में ना मधुमक्खी से बेटर कोई चीज नहीं है, बिकॉज यार अब मैं आसमान में उड़ पा रहा था। एंड यार ये सब ड्रामेबाजी करने के बाद मैं माइनिंग पे गया और 2-3 दिन तक मैंने बहुत तगड़ी माइनिंग करी और मुझे बहुत सारा कोल और आयरन मिला। और हमेशा की तरह डायमंड तो हमें मिले ही नहीं। और यार मैं माइनिंग करके वापस आ ही रहा था, मेरा चप्पलों से स्वागत करने एक ज़ॉम्बी आ गया। तो मैंने इस भटकती आत्मा को मार के मुक्त कर दिया और भैया इस आत्मा का श्राप मुझे भी लग गया और मैं भी एक ज़ॉम्बी बन गया। कुछ भी, लेकिन यार मुझे नहीं पता था मैंने जो ज़ॉम्बी मारा था वो डांस इंडिया डांस का विनर था। कसम से टिकटॉक वाले लड़के फेल कर दिए उसने। यार ज़ॉम्बी बनने से एक फायदा तो है कि अब मुझे ना ही कोई क्रीपर और ना ही कोई मकड़ी परेशान कर रही थी, बट यार मुझे देख के पूरे गांव में भगदड़ मच गई। एंड यार मैंने देखा कि आयरन गोलम मेरे भाई बंधुओं को मार रहा था, मतलब ज़ॉम्बीज यार। एंड यार मेरा मन तो बहुत ज्यादा कर रहा था कि मैं अपने भाइयों की मौत का बदला लूं, लेकिन ये जो आयरन गोलम होता है ना, एक ही चाटे में चांद सितारे दिखा देता है। नहीं तो क्या, तो मैं चुपचाप निकल गया वहां से। तुम्हें शर्म है कुछ? नहीं नहीं, शर्म तो मैं बेच के खा गया और उन पैसों में ना सिर्फ 4 ही टॉफी आई थी। एंड यार आयरन गोलम को शायद से शक हो गया था कि मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक विलेजर बन जाऊं। एंड यार मैं छुपके छुपके एक गांव वाले के घर में घुस गया और यार बेचारा बड़े आराम से सो रहा था, लेकिन भाई साहब ज़ॉम्बी को देखते ही उसका पजामा पीला हो गया। मुझसे बचने के लिए बेचारा शक्तिमान बना फिर रहा था। एंड फिर मैंने इस गांव वाले की हत्या कर दी और मैं भी एक गांव वाला बन गया। एंड फिर मैंने सबसे पहले गांव से अनाज चुराया, और किसी को शक ना हो कि मैंने ये अनाज चुराया तो मैंने उसी अनाज की रोटियां बना के गांव वालों में बांट दी। गांव वाले भी खुश और मैं भी खुश। और गांव में ये लंगर करने के बाद मैं अपने घर में वापस सोने के लिए गया और मैंने क्या देखा, बिल्ली मौसी मेरे घर में उछल कूद मचा रही थी। भाई साहब 2 दिन से इस बिल्ली के पीछे भाग रहा था मैं, लेकिन आज कहां बच के जाएगी। मुझे कैसे गंदी निगाह से देख रहे हैं? नहीं नहीं, निगाहें साफ है लेकिन नीयत नहीं। एंड फिर मैंने इस
बिल्ली को मार दिया और मैं भी एक बिल्ली नहीं बोलूंगा, बिलौटा बन गया मैं। और भाई साहब ये जो बिल्ली होती है ना बड़ी फुर्ती में भागती है। I'm fast as fuck, boy. लेकिन यार एक दिक्कत थी, ये बिल्ली ना बड़ी कमजोर थी, कसम से पांच ही दिल थे बस इसके पास। तो फिर मैंने अपना तन बदन बदल लिया एंड और कुछ जीव जंतुओं की तलाश में निकल पड़ा। बहुत देर तक घूमने के बाद यार मुझे मेरे जन्मों जन्मों का साथी मिल गया और वो था एक सुअर। तो सुअर महाराज तो अपनी धर्म पत्नी के साथ बगीचों में घूम रहे थे, तो उसकी मैडम के सामने ही मैंने उसका कत्ल कर दिया। बट यार वो बेचारी रोने लग गई, तो मैंने उससे बोला बहुत सुअर है दुनिया में, टेंशन ना ले। लेकिन मैडम ने तो फिल्मी डायलॉग मार दिया। एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। ओहो भारतीय नारी। तो मैडम मेरी बात सुनो, पहली बात तो मैं रमेश हूँ नहीं एंड दूसरी मैं एक चुटकी क्या पूरा की पूरा पैकेट 10 रुपए में खरीद लाऊं सिंदूर का। आफ्टर दिस यार मैं अपने गांव के लिए निकल गया और अपना शरीर एक गांव वाले के रूप में बदल लिया। लेकिन यार आयरन गोलम ने मुझे रूप बदलते हुए देख लिया। भाई साहब ये करिश्मा देख के आयरन गोलम के पैरों तले जमीन खिसक गई। सो यार मुझे मजबूरन आयरन गोलम को मारना पड़ा। मगर क्यों? बिकॉज यार ये आयरन गोलम मेरा पर्दाफाश कर सकता था, तो मैंने इसे ही साफ कर दिया। तो फिर मैंने अपना शरीर एक आयरन गोलम में बदल लिया। भाई साहब देख रहे हो कितनी बड़ी होती है लोहे की मशीन, कसम से यार आयरन गोलम बन के ग्रेट खली वाली फीलिंग आ रही थी। नहीं नहीं भाई, खली सर के बारे में कोई मजाक नहीं, कहीं पता चले मुझे ही। एंड यार आयरन गोलम की हत्या करते वक्त मुझे पूरे गांव ने देख लिया था, तो भैया धक्के मार के उन्होंने मुझे गांव से निकाला। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। बट चलो कोई नहीं। और फिर यार मैं एक मधुमक्खी बन गया और मैंने इस गांव को अलविदा कर दिया हमेशा के लिए। और मैं आसमान में थोड़ा उड़ा ही था कि मैंने क्या देखा, भाई विलेज के बगल में एक और विलेज था। यही नहीं, अभी और सुनिए। एंड यार ऑलमोस्ट सारी बायोम चार चार कदम की दूरी पे थी, चाहे वो जंगल बायोम हो, डेजर्ट हो, स्वाम्प हो, कोई सी भी हो। कसम से बड़ी गजब की सीट लगी है मेरे हाथ में। सो ये इस वर्ल्ड की सीड है भाई, मजे करो। एंड फिर दूसरे विलेज में जाकर यार मैंने अपने लिए थोड़ा सा खाना चुराया। और यार एक बेचारा आयरन गोलम गड्ढे में फंसा हुआ था, तो मैंने उसे गड्ढे से तो नहीं पूरी दुनिया से ही निकाल दिया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। भैया जी हम अन्याय वगैरह तो देखते नहीं, अपना काम बनता। बट यार इन गांव वालों ने भी मुझे अनाज चुराते हुए देख लिया एंड फिर से यार धक्के मार के निकाला गया मुझे गांव से। गजब बेइज्जती है यार, मैं तंग आ चुका हूँ इतनी बेइज्जती करवा करवा के। अब यार कहीं दूर जंगलों में जाके अपना घर बनाएंगे। तो फिर मैं मछली को मार के खुद एक मछली बन गया। मैंने सोचा यार पानी के रास्ते जा जाकर जल्दी जंगल मिल जाएगा, बट मेरी मछली जमीन पे गिर गई और यार तड़प तड़प के मरने ही वाली थी। तो फिर मैं एक मधुमक्खी बन गया और निकल पड़ा जंगल की तलाश में। बट फिर मुझे याद आया कि गांव के पीछे एक जंगल था, तो मैं जंगल में गया एंड वहां पर मुझे एक चीता मिला। अरे हाँ अंग्रेजों ओसिलोट कहते हैं उससे, पता है मुझे। बट जी मैं तो चीता ही बोलूंगा पूरी वीडियो में। और बताओ ये चीता एक मधुमक्खी से मर गया। यार इस चीते से मैं बस एक ही चीज कहना चाहूंगा, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में, तू डूब के मर जा रे चुल्लू भर पानी में। बट यार इस चीते और बिल्ली में बिल्कुल भी फर्क नहीं था, बिकॉज दोनों के पास पांच पांच ही दिल थे, आफ्टर ऑल एक ही खानदान के तो हैं ये। एंड फिर मैं पेड़ों पे कूद कूद कर और जीव जंतुओं को ढूंढने गया। जीव जंतु तो नहीं, लेकिन मुझे इस चीते के मौसी का लड़का मिल गया। एंड मैं उसके पास जा ही रहा था, मैंने क्या देखा, उसने एक अंडा दे दिया। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? नहीं नहीं भूल जाओ ये सब, किसी ने कुछ नहीं देखा। ये बात यहीं दबा के मैं निकल पड़ा कुछ और जीव जंतुओं को ढूंढने। जीव जंतु तो नहीं, लेकिन मुझे एक उड़ने वाला पक्षी मिला। भैया अंग्रेजी में तो तुम इसे पैरट बोलते हो, लेकिन हम इसे हिंदी में बोलते हैं तोते, जो अपने बाप के भी नहीं होते। हाँ जी, तो फिर मैंने चीता बन के उस तोते का शिकार किया, लेकिन पूरे डिस्कवरी चैनल वाले स्टाइल में। ये अपने टारगेट का छिप कर पीछा करती है और नजदीक पहुँच कर अटैक करती है। देन यार फिर मैं भी एक तोता बन गया। बट यार मैंने मारा तो नीला तोता था, पर पता नहीं मैं कैसे लाल बन गया। बट यार मैंने एक चीज फील करी, ये तोता कम जटायु ज्यादा लग रहा था। जटायु जय श्री राम। भाई मुझे बहुत मार पड़ेगी किसी दिन, पता नहीं क्या क्या बोलता हूँ मैं। हाँ जी, तो देखो बिना घर के हम बेसहारा बेचारा और आवारा थे, तो अब बारी थी अपना घर बनाने की। एंड वैसे भी अब मैं तोता बन के हवा में उड़ सकता था, तो मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा घर बनाया जाए जो हवा में उड़ रहा हो। सो फिर घर बनाने के लिए मैंने बहुत दिनों तक लकड़ियां तोड़ी और कुछ दिनों तक माइनिंग करी। एंड चलिए शुरू करते हैं अपना हवा महल बनाना।
एंड यार अब हमारा घर वगैरह सब रेडी हो गया था और कमेंट्स में जरूर बताना तुम्हें ये घर कैसा लगा। वैसे सही बताऊं यार ये घर का मुड़न खटोला ज्यादा लग रहा था। एंड यार फिर घर बनाने के बाद मैं माइनिंग पे गया बिकॉज हमारे पास कोई आर्मर वगैरह नहीं था। एंड फिर मैंने बहुत देर तक आयरन की माइनिंग करी और यार मैं माइनिंग कर ही रहा था मुझे एक चमगादड़ दिखा। अरे हाँ हाँ अंग्रेजों उसे बैट कहते हैं पता है मुझे, मुझे क्या पूरी दुनिया को पता है इस चमगादड़ ने क्या बवाल मचा रखा है। तो यार मैंने इसको मार दिया और मैं एक चमगादड़ बन गया। कसम से भाई साहब ये छोटी सी चीज बड़े काम की है बिकॉज यार मुझे अंधेरे में भी सब कुछ जगमग जगमग दिख रहा था। एंड यार फिर माइनिंग करते करते मुझे एक मेट्रो स्टेशन मिला। अरे हाँ भैया उसे माइनशाफ्ट कहते हैं पता है मुझे, बट यार तुम खुद सोचो ये रेल पटरी वगैरह देख के आती है कि नहीं आती मेट्रो स्टेशन वाली फीलिंग। देन फिर मैंने बहुत देर तक मेट्रो स्टेशन में लूट करी और मुझे गोल्डन एप्पल और नेम टैग्स वगैरह मिले। एंड फिर यार मैं माइनिंग करके वापस आ ही रहा था मुझ पे चील कौओ ने अटैक कर दिया। अरे हाँ भैया उन्हें फैंटम कहते हैं लेकिन उनकी हरकत है ना बिल्कुल चील कौओ वाली थी, बट यार शायद से उन्हें ये नया नाम पसंद नहीं आया। भाई सब तीन के तीन मुझे अकेले को मारने लग गए तो मैं अपनी जान बचाकर जल्दी घर में घुस गया। बस हवा निकल गई। नहीं यार मुझे डर वगैरह नहीं लग रहा था, वो तो मैंने बच्चा समझ के छोड़ दिया उन्हें। झूठ बोल रहा है। देन फिर यार मैंने घर पे आके अपने लिए आयरन का आर्मर बना लिया। एंड यार मैं आयरन आर्मर बना ही रहा था कि मुझे उन चील कौओ की आवाज आई। नहीं नहीं तुम क्या समझते हो डरपोक हूं मैं, रुको जरा अभी इनका बैंड बजा के आता हूं। तो फिर मैंने अपना शरीर एक मधुमक्खी में बदला और इन चील कौओ की वाट लगा दी। एंड सुबह होते ही मैं निकल पड़ा कुछ और जीव जंतुओं की तलाश में। एंड यार घूमते घूमते मुझे एक काला भूरा भालू दिखा। अरे हाँ हाँ भैया पेंडा कहते हैं उसे पता है मुझे, कुछ भी हो लेकिन लग बड़ा प्यारा रहा था ये भालू, बट यार मुझे इसका रूप धारण करना था तो इसे मारना भी पड़ेगा। तो फिर मैं एक घोड़ा बन गया और इन दोनों की लड़ाई करवाई। भैया देखने में तो कितना प्यारा और शरीफ लग रहा था ये भालू लेकिन लड़ाई में तो सनी देवल का भी फूफा निकला है भाई साहब, इसने मुझे ऑलमोस्ट मार ही दिया था। तो फिर मैंने इस भालू के पीठ पीछे वार किया और इसे मार दिया। चीटिंग 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 करता है तू। देखो यार चीटिंग वाली कोई बात नहीं, अगर तुम्हें लोगों से आगे निकलना है तो उनके पीछे लात मारनी पड़ेगी। एंड घूमते घूमते फिर मुझे जंगल में एक मंदिर मिला। उस मंदिर में एक दान पेटी रखी हुई थी तो मैंने पहले तो चढ़ावा चढ़ाया फिर उसके बाद पूरी दान पेटी लूट ली। अबे साले ये पाप करने के बाद मैंने सोचा क्यों ना समुन्द्र किनारे जाएं और कुछ और जीव जंतुओं का रूप धारण करें, तो भैया घर को ऐसे खाली थोड़ी छोड़ के जा सकते हैं। तो मैं निकल पड़ा एक पालतू जानवर की तलाश में। देखो यार पालतू जानवर तो मिला नहीं लेकिन ये तोता फिदा हो गया एक तोती पर। अरे पैरट को तोता कहते तो फीमेल पैरट को तोती कहेंगे ना, समझते नहीं है आप। एंड मुझे लगा कि मेरा तोता ही दीवाना है लेकिन भाई साहब ये तोती भी मेरे तोते को देखकर पानी पानी। अरे यार ऑफेंड मत होना, बस ये मजे के लिए डाला था गाना लेकिन यार दिल से आई लव यू मोदी जी। और फिर मैं तोती को दाना पानी खिला के अपने घर पे ले आया। एंड वो डिस्पॉन ना हो तो मैंने उसका नाम रखा स्वीटी। एंड ये सब ड्रामेबाजी करने के बाद मैं निकल पड़ा समुंदर की तलाश में। एंड बहुत दिनों तक घूमने के बाद यार मुझे एक समुंदर मिला और यार जो समुंदर में सबसे पहली चीज मिली ना वो था एक कब्ज वाला मरीज। अरे ड्राउंड ज़ॉम्बीज मेरे दोस्तों। देन फिर मैं ड्राउंड ज़ॉम्बी बन गया और समुंदर की गहराइयों में खो गया। एंड घूमते घूमते यार मुझे एक कछुआ मिला तो यार दिल पे पत्थर रखकर मुझे उस कछुए को भी मारना पड़ा। कीड़े पड़े तुझे हैज़ा खाए तू जल के राख हो जाए। अरे बस भाई बस कितनी बद्दुआ दोगे यार तुम, मैं जान पूछ के थोड़ी मारता हूँ यार, मुझे 50 मॉब अनलॉक करना है छोटी बात थोड़ी है। देन फिर यार तुम सब की बद्दुआ लेके मैं निकल पड़ा ओशन मॉन्यूमेंट की तलाश में। एंड फाइनली मुझे एक ओशन मॉन्यूमेंट मिला। एंड यार मॉन्यूमेंट के पास जाते ही चंदू की चाची ने मेरे पे चांदी की चम्मच वाले टोटके कर दिए। इस टोटके से यार मेरी स्पीड बहुत ज्यादा स्लो हो गई थी और मैं माइनिंग भी नहीं कर पा रहा था। तो फिर पहले तो मैंने चंदू की चाची को मारा एंड फिर निकल पड़ा चंदू को मॉन्यूमेंट के अंदर ढूंढने। तो यार चंदू तो मुझे मिला लेकिन यार खा के बड़ा मोटा हो गया था ये, तो मैंने अपनी तलवार से चंदू का सारा फैट काटा एंड फिर मैंने उसका रूप धारण कर लिया। बट यार ये चंदू तो कपिल शर्मा वाला चंदू चाय वाला निकला, भाई साहब कोई टैलेंट ही नहीं था इसमें। तो मैं फैंटम बनकर उड़ गया इस समुंदर से और जा पहुंचा एक रेगिस्तान में। एंड यार रेगिस्तान में मुझे एक ज़ॉम्बी मिला जिसने बड़े फटे पुराने कपड़े पहन रखे थे। कसम से इस ज़ॉम्बी को देख के उस टिकटॉक वाले लड़के की याद आ गई। मैं गरीब हूं मैं गरीब हूं मैं गरीब हूं। इस वाले ज़ॉम्बी का यार एक फायदा तो था कि ये धूप में जलता नहीं है और वैसे भी मैं रेगिस्तान में था तो मैंने सोचा कुछ और जीव जंतु ढूंढे जाए। एंड यार घूमते घूमते मुझे एक खरगोश मिला लेकिन शायद से ये खरगोश पबजी ज्यादा खेलता था, भाई साहब दे जिगल कर ही जा रहा था। एंड फिर फाइनली मैंने खरगोश को मार दिया एंड फुदक फुदक कर रेगिस्तान में घूमने लग गया। एंड ये सब ड्रामेबाजी करने के बाद मैं अपने गाँव में वापस आ गया बिकॉज यार अब हमें गाँव वालों से नक्शा बनवा कर उस हवेली को ढूंढना था जिसमें बहुत सारे जादूगर रहते हैं। अरे वुडलैंड मैंशन अंग्रेजों। तो फिर मैंने एक गाँव वाले को नक्शे वाला बना दिया बिकॉज यार अगर हम इस नक्शे वाले को एक्सपर्ट बना देंगे तो ये हमें हवेली का मैप देगा। लेकिन भाई साहब ये तो निहायती बदतमीज निकला, 24 पेपर में एक एमरल्ड दे रहा था। यार एक तो मैंने इसे नौकरी पे रखा है और ये मुझे ही लूट रहा है।
तो यार फिर मैं गन्ने की खेती करने गया। अरे भैया शुगर केन को हिंदी में गन्ना बोलते हैं। एंड यार मैं खेती करने जा ही रहा था, मुझे एक क्रीपर मिला। वैसे भी अभी तक हमने क्रीपर का रूप धारण नहीं करा था तो मैंने उसे मार दिया, लेकिन यार वो मेरी सबसे बड़ी गलती थी। बिकॉज यार मैंने जो क्रीपर मारा था वो बिल्कुल फटने ही वाला था। तो यार फिर मैंने अपना रूप बदला और 3-4 दिनों तक गन्ने की खेती करी। एंड यार अब हमारे पास बहुत सारे गन्ने हो चुके थे और उन गन्नों से मैंने बहुत सारा पेपर बनाया। देन फिर इन पेपर से ट्रेडिंग कर करके मैंने उस नक्शे वाले को एक्सपर्ट बना दिया। एंड फाइनली यार उसने हमें हवेली का नक्शा दे दिया। लेकिन यार वो नक्शा देख के मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बिकॉज यार मैंने नक्शे में देखा कि गांव के पीछे वाले जंगल में ही हवेली थी। यार नहीं नहीं मैं पागल हूँ, मैंने इतने दिनों तक गन्ने की खेती करी, इस नक्शे वाले की नौटंकी झेली, बेफालतू की ट्रेडिंग करी। यार कंट्रोल कंट्रोल। After that यार मैं अपना टूटा दिल लेके हवेली पर गया एंड मेरा स्वागत करने के लिए एक क्रीपर और चौकीदार आ गया। बट वो बेचारे मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहे थे क्योंकि मैं हवा में उड़ रहा था। लेकिन यार मैं गलती से क्रीपर के चरणों में गिर गया, पर यार भगवान की कृपा से वो फटा नहीं। अगर फट जाता ना तो मेरी बार बार किसी से लड़ाई ना हो तो मैंने एक चौकीदार को मारा और उसका रूप धारण कर लिया। एंड अब मेरे ऊपर कोई अटैक नहीं कर पा रहा था तो मैंने पूरी की पूरी हवेली लूट मारी। एंड लूटते लूटते मुझे वो त्रिकाल देव का भक्त भी मिल गया। अरे वो कर मेरे भाई, सिंस मैं उसका चौकीदार बना हुआ था तो उसे लगा कि मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, लेकिन बड़ी फुर्सत से मारा मैंने उसे। एंड हवेली से अब हमारा सारा काम हो गया था तो मैंने हवेली का काम तमाम कर दिया भाई साहब, पूरी हवेली में आग लगा दी मैंने। और यार उसके बाद मैं गांव वापस आ गया। एंड यार इन चौकीदारों से लड़ाई कर करके मेरे आर्मर की ऐसी तैसी हो गई थी तो मैंने सोचा यार क्यों ना अब एक डायमंड का आर्मर बना लिया जाए। तो मैं चमगादड़ बनके यार डायमंड की माइनिंग करने गया और हमने बहुत सारे डायमंड्स इकट्ठा किए। एंड फिर यार गांव वापस आकर मैंने अपने लिए डायमंड का आर्मर बनाया और कुछ डायमंड के टूल्स। एंड गांव वालों को और नौकरियां दी और मैंने दोबारा बहुत सारी गन्ने की खेती करी और बहुत सारी ट्रेडिंग करी। ट्रेडिंग करने से यार मुझे स्माइट 5 मिली। एंड ये स्माइट 5 ना भाई बहुत काम आने वाली थी विदर को उसकी नानी याद दिलाने में। तो फिर मैंने ये जादुई किताब अपनी तलवार में लगा दी। बिकॉज यार इस तलवार से हमें विदर को उसकी नानी याद दिलानी थी तो मैंने अपनी तलवार का नाम रखा नानी। नहीं यार मैं तमीजदार बच्चा हूँ तो मैंने नानी जी नाम रखा। आफ्टर दैट यार मैं अपने घर पर वापस आ गया। जी हाँ जंगलों में मैं आ चुका था वापस और मुझे लगा था स्वीटी अभी तक किसी और तोते के साथ भाग गई होगी, लेकिन बेचारी गई नहीं मुझे छोड़ के। एंड अब बारी थी नेदर में जाने के लिए तो मैंने कुछ ऑब्सीडियन कलेक्ट करे और नेदर पोर्टल बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी। एंड ये थोड़ी बहुत सजावट करने के बाद हमारा पोर्टल हो चुका था रेडी। कसम से भाई साहब बड़ा ही सुंदर लग रहा था ये पोर्टल। एंड फिर यार फाइनली हम निकल पड़े दूसरी दुनिया के लिए। और यार देखो जरा कहां ही स्पॉन कराया भाई इन्होंने। कसम से यार अगर मैं चील कौवा नहीं बना हुआ होता ना तो मेरी हड्डियां भी नहीं मिलती, बट कोई नहीं यही तो जीवन है। एंड यार घूमते घूमते मुझे एक जंगली सुअर मिला तो मैंने उसे पहली फुर्सत में मारा और मैं भी एक जंगली सुअर बन गया। बट यार कुछ पढ़े लिखे सुअरों को मेरा ये तन बदन पसंद नहीं आया और मुझे मारने लग गए। बताओ एक सुअर सुअर का सगा नहीं है तो इंसान इंसान का कैसे होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। एंड फिर घूमते घूमते यार हमें लाल किला मिला। अरे हाँ हाँ नेदर फोर्ट्रेस मेरे भाई। एंड मैंने सोचा था लाल किले में बहुत अच्छी अच्छी लूट मिलेगी, लेकिन यार लूट के नाम पे मुझे गू ही मिला बस। और तो और एक अगरबत्ती ने मेरे ऊपर अटैक कर दिया। साइकिल पे और अगरबत्तियां प्रार्थना की शुद्धता। तो फिर मैंने इस अगरबत्ती को मार दिया और इसका रूप धारण कर लिया। एंड फिर उसके बाद हमने अपना मेन काम करा, विदर स्केलेटन्स को मार मार के उनकी खोपड़ी चुरा ली एंड अपने घर वापस आ गया। बिकॉज यार अब हमें विदर और एंडर ड्रैगन की फाइट करवानी थी तो मैंने विदर को बेडरॉक के पास स्पॉन करा और विदर का मसाला कूट दिया। एंड अब मैं बन चुका था भाई साहब कंकालो वाली देवी। कसम से एक बार को तो मैं ही डर गया था विदर को अपने घर के पास देख के। लेकिन यार ये विदर होती बड़ी पावरफुल है, इसके पास पूरी 2 लड़ी थी दिल की। और अब हमें विदर और एंडर ड्रैगन का युद्ध करवाना था तो मैंने बेजुबा एंडर मैन की हत्या करके उनकी आंखें चुरा ली। भाई मैं कितना पापी आदमी बन चुका हूँ यार, कसम से गंगा नहा के आना पड़ेगा मुझे एक बार। क्यों भी ओवर एक्टिंग करता साला, ओवर एक्टिंग की औलाद। एंड यार फिर हम एंडरमैन की आंखों का पीछा कर करके स्ट्रॉन्ग होल्ड पे पहुंच गए और वहां मुझे एक चांदी की मछली मिली। यार मैंने उस मछली को मारा लेकिन मैं उसके तन बदन में नहीं बदल पाया। माइनक्राफ्ट वालों मेरे साथ अन्याय हुआ है।
एंड अब मैंने सारी आंखें पोर्टल में लगा दी और पहुंच गया उस काली चिड़िया की दुनिया में। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा, चल। तो चलो अब देखते हैं एक ऐतिहासिक युद्ध विदर और एंडर ड्रैगन के बीच में। सो लेट्स फाइट। फाइनली यार हमने कर दिया था एंडर ड्रैगन का अंत और यहीं पर हमारे सारे चैलेंजेस और 100 डेज कंप्लीट होते हैं। एंड आई होप आप सबको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। सो यार प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, बिकॉज यार बहुत मेहनत और टाइम लगा इस वीडियो को बनाने में। एंड यार दिल से सॉरी, इस बार वीडियो बहुत ज्यादा लेट हो गई, मेरी आखिरी गलती समझ के यार मुझे माफ कर दो। एंड अगर तुम्हें भी ये मॉड खेलना है तो डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो है, उसे देख के इंस्टॉल कर लेना। अगर फिर भी दिक्कत आती है तो यार डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना, वहां पर मैं स्वयं तुम्हारी मदद करूंगा। तो चलो मिलते हैं यार अगली मजेदार वीडियो में, तब तक के लिए तुम फूको।